कैसे हो यार तुम लोग? परेशान है होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने के सवाल है नहीं, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले। रिजल्ट तो आता जाता रहता है, तो मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ, 12.5 लाख लोग लगभग प्री का पेपर दिए थे, मेंस के लिए बस 71,000 लड़के चुने गए हैं। फिर क्या मुद्दा हो गया? मुद्दा अब ये हो गया कि जो 71,000 चुने गए हैं, मोटा मोटा होता क्या है कि जितनी वैकेंसी रहती है उसका कुछ गुना लड़के बुलाए जाते हैं। ये चीज़ सबकी फिक्स रहती है। कोई कह देता है कि हमारे यहाँ 15 गुना आएंगे, कोई कह देता है हमारे यहाँ 20 गुना आएंगे। जैसे ब्याह होता है मोटा मोटा, इसे समझो, कोई 1,000 आदमी भीड़ करके ब्याह कराता है, कोई 2,000 आदमी भीड़ करके ब्याह कराता है। लेकिन वो चीज़ ना हर आदमी के लिए फिक्स होती है। एसएससी के पास कुछ फिक्स नहीं है। एसएससी ब्याह कराता है, कभी 10 गुना बुला के ब्याह करा दिया, कभी 20 गुना बुला के ब्याह करा दिया, कभी 8.5 गुना बुला के ब्याह करा दिया। अब यार मुद्दा ये है ना कि प्री की कट ऑफ गई है जनरल की 150+ नंबर। 150+ नंबर का 200 में हो गया लगभग 75% माइनस मार्किंग के बाद। माइनस मार्किंग के बाद 75% लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सीजीएल का पेपर दोगे तुम लोग अपने जान जाओगे। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत लगे कि अबे 150 तो यूं ही ले आते हैं, 50 टू मार्क दोगे ना 150 क्रॉस नहीं कर पाओगे, 100 टू मार्क दोगे पूरा 1-1.5 साल पढ़े रहोगे तब 150+ कंटिन्यूअस तुम लोग लेकर आओगे। अब जो ही लड़का 140 145 135 136 138 ये सब लाया था, ये सब लड़के भी अच्छे लड़के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक दिन एग्जाम हुआ किसी का 132 आया तो तुम उसको जज कर लोगे अबे ये तो चूतिया है ना। चूतिया नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं जिनका प्री में स्कोर कम रहता है, क्वालिफाई कर गए लेकिन मेंस में वो स्कोर बहुत अच्छा लाके नौकरी ले लिए। अब जो लड़का 148 147 लाया जिसका प्री नहीं क्लियर हुआ है, उसका टैलेंट जानते हो एकदम गिर के एकदम गर्त में चला गया है। अभी देखो कौन आ गया, एसएससी आ गया क्या? डंडा उंडा नहीं रखा है? बाबू इतने से नहीं हट जा, तो अब थोड़ी देर बाद आ जाओ। एसएससी के कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई थी जनरल के लिए 114 नंबर गई थी। 114 नंबर बहुत कम है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सही गई थी। उस टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 36,000 लगभग वैकेंसी थी, उसका 10 गुना बुलाए थे 3,60,000। हम ये नहीं करें कि तुम 3,60,000 बुला लो, लेकिन यार एक चीज़ कुछ फिक्स कर दो ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि भाई इतने ही ना बाबू अभी ना आओ। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम 2 लाख का पेपर मेंस का करा लो। एक तो साला तुम मेंस का पेपर कराने में 4 दिन लेते हो, अब 71,000 लियो उसमें भी बता रहे हो 2 दिन में पेपर कराओगे। ऐसी कौन सी तुम्हारी पैन इंडिया लेवल पर तुम्हारी एग्जाम करा रहे हो, 100-100 रुपया ले भी रहे हो, 12 लाख लोग दे दिए पेपर, कई करोड़ रुपया पा गए, एक दिन में तुम इम्तिहान नहीं करा पा रहे हो। अब फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत सारे लड़के फिर परेशान हो जाएंगे। चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाओ चढ़ाओ ना। अब लड़के जो 71,000 वाले हैं वो सब ट्विटर के कैंपेन में जा ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अबे मेरा तो हो गया, मैं तो मेंस निकाल दूंगा। भाई साहब 8400 वैकेंसी है, निकाल उकाल नहीं पाओगे 8400 लड़के निकालेंगे। जब ये 8400 निकाल लेंगे तो जो बचेंगे ना 62-63 हज़ार, वो लोग फिर रोना रोएंगे कि नहीं यार तुम लोगों के साथ गलत हुआ था। अबे तो अभी कहो ना गलत हुआ था भाई। अब देखो बहुत सारे मास्टर आ जाएंगे, मैं मास्टर की बात इस वजह से कर लेता हूँ क्योंकि यार वो लोग ऐसा कर ही देते हैं कि करनी पड़ती है बात। जब सीजीएल के प्री का कट ऑफ एनालिसिस हो रहा था, सुबह में एक ऐसा लड़का था भाई जिसने कट ऑफ एकदम सही प्रिडिक्ट की, उसने बताया कट ऑफ ज़्यादा जाएगी अगर इतने गुना लड़के लिए गए तो। लेकिन बहुत सारे मास्टर 120 125 130 और वो चीतक चालोल वाला तो 115-115 बता रहा था। भाई कट ऑफ तभी बताया करो जब नॉलेज हो, नहीं मत बताया करो। तुम्हें अपना कोर्स बेचना है और कुछ करना है वो ऐसे बेच लो, लड़कों को फालतू बरगला के कोर्स मत बेचो। दिक्कत कहाँ पर आती है ना, जैसे मास्टर का करते क्या है कि कट ऑफ पहले जब प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा था उससे पहले कहते हैं अरे यार 120 उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इस हाथ के नीचे बहुत सारे इंस्पेक्टर निकल गए। इससे क्या होता है, जो 122 नंबर वाला रहता है वो कोर्स खरीद लेता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है। अब पढ़ना जैसे शुरू करेगा, जब ये प्री का रिजल्ट आता है और उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं रहती ना, एक तो वो पैसा मास्टर साहब पेल चुके हैं आपका, और आपका समय भी पेल ले गए मास्टर साहब, और आपको अब फिर अगला प्री का कोर्स बेचेंगे मास्टर साहब, क्योंकि प्री की कट ऑफ जब हाई चलेगी तो अब इस डर से आपको बेचवाएंगे, कहेंगे देखो यार हाई चलेगी अब तुमको प्री कायदे से पढ़ के देना पड़ेगा। मेंस में वैसे ही लड़के परेशान है, 5-5 6-6 टू चीज़ पढ़नी है, एक तो रीजनिंग पढ़नी है, एक तो मैथ पढ़नी है, एक तो साला उसमें रीजनिंग में पता नहीं क्या क्या सेंटेंस स्टेटमेंट और कंक्लूजन इंटरफेरेंस एक्शन ये सब पता नहीं क्या क्या पूछने लगा है भाई साहब। और क्वेश्चन उसका 10-10 टू अवेलेबल नहीं है कहीं पर,
जीके का तो पूछो ही मत, कौन मरा कौन जिया ये सब क्वेश्चन आ रहा है आजकल। इन सब की परेशानियों से उभर कर जब लड़का इम्तिहान देने जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि भाई साहब कट ऑफ क्लियर हो जाए, और कट ऑफ जब क्लियर नहीं होता तो वो आंदोलन करता है, वो परेशान होता है, वो घबराया रहता है, वो फ्रस्ट्रेट रहता है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते भाई साहब कट ऑफ जो है भाई साहब थोड़ा सा कम उम करके आओ, लड़के ले लो। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम 4 लाख लोगों का पेपर कराओ, 50-60 हज़ार लड़के आओ ले लो, पेपर दें, मज़ा आएगा यार, थोड़ा फेयर कंपटीशन रहेगा। चलो ठीक है यार, बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं।